तो आप अनुमान लगा सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा होगा? चलिए बता देते हैं, गेस करने 2:05 सुबह का, और बहुत ही लंबी रिटर्न राइड के लिए अब हम तैयार हैं। जय श्री राम। दो बजकर 10 मिनट हो गया है, पहुंचने का टाइम 4:15 बता रहा है। ब्लूटूथ ना बहुत खतरनाक आवाज़ कर रहा है कान में, नहीं करेगा। चलिए बाकी बातें अब तो आज दिन भर आपसे करनी ही है। रास्ते में करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू आगरा जाना है, कानपुर आएगा, प्रयागराज आएगा, ये सब जगह अपना दंगा प्रभावित क्षेत्र है। कल के न्यूज़ में, 10 तारीख के न्यूज़ में टेंशन भी हो रहा है। कल शुक्रवार था, नमाज पढ़ने के बाद की स्थिति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा न्यूज़ बना तो भी फिर भी मैं निकल गया हूँ। देखते हैं, काशी जा रहे हैं, भगवान शंकर जी हमारे साथ हैं, होंगे ही। पूरे लेह लद्दाख में रहे तो यहाँ क्यों नहीं रहेंगे। ओ भैया, एक बार रोड पे आने के बाद तो मजा ही आ जाता है। 2:20 हुआ, गर्मी में बताऊं क्या बुरी हालत है भाई। इतनी गर्मी, मतलब मैं तबाह हो गया दिल्ली में। वेलकम टू नोएडा, नोएडा में आपका स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत सा एंट्रेंस है भाई। थोड़ा सा वेदर अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पर। तीन बजकर 27 मिनट, 3:30 हो गए, लगभग 1 घंटे 20 मिनट हमने बाइक चलाया अभी। चलिए चलते हैं, और ये तो क्या सर्विस रोड है, आगे से हम लोग वहाँ से हम लोग ज्वाइन करते हैं एक्सप्रेसवे को दोबारा। कार्ड से ले लोगे? ले लो, अगर कार्ड से ले लोगे भैया, कैश वैश का बहुत काम पड़ता है रास्ते में। यहाँ से डायरेक्ट आगरा का 200 कितना है, 205 ना। बीच में किसी टॉल पे नहीं देना पड़ेगा ना। अब रेन खिलाया फूल फूल को ले गया। मेरे ख्याल से ये आखिरी टोल होगा, क्योंकि 15 किलोमीटर में ही मुझे NH-19 से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है गूगल मैप के द्वारा, यानी कि रोड अच्छा मिलने का पूरा उम्मीद है। समय आ गया जब हमें यमुना एक्सप्रेसवे को बाय बाय बोलना पड़ेगा। बहुत ही सुखद यात्रा रही यहाँ तक कि, और हमने इसको बस 3 घंटे 10 मिनट में गुजार दिया, जबकि बहुत स्पीड नहीं चलाया था मैंने। Thank you.
हम लोग शायद से कानपुर क्रॉस कर रहे हैं। रोड अभी भी पूरा का पूरा खाली मिल रहा है, रह रह के पुलिस की गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर। ये मैं आपको 11 तारीख का अपडेट दे रहा हूँ, 11 जून 10 जून शुक्रवार था कल का दिन। यहाँ पर थोड़ा बहुत वो हल्ला शोर शराबा हुआ था। चलिए हम लोग चलते रहते हैं, 6 घंटे 8 मिनट की राइड अभी पहुंची है। 332 मोर किलोमीटर्स टू गो, 4:12 का अराइवल टाइम। आज देखो मैं गूगल मैप को पूरा एकदम पकड़ के रखा हुआ हूँ। और इसको हम डायरी में नोट कर लेते हैं, आपको बताएंगे द एंड ऑफ द ट्रिप कि टोटल कितना एक्सपेंस आया मेरा। फतेहपुर है, टाइम हो गया 12:05 और भाई खतरनाक गर्मी है। देख के ही ये गर्मी महसूस की जा सकती है, मतलब गर्मी ऐसा लगता है चारों तरफ तबाही का मंजर है। क्या गर्मी कर रहा है यार। यह इतनी ही जोर जोर से हवा चलती थी लद्दाख में, अंतर सिर्फ इतना है कि वो हवा ठंडी होती थी और ये हवा खतरनाक है गर्म। अभी जूस पी लिया। क्या है क्यों किया ऐसे, बिना ब्लिंकर दिखाए। फोन पे है क्या? अब वीडियो पे हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मन कर रहा है कि माँ फोन पे बात कर रहा है यार, और सडनली राइट टर्न ले लिया। 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 8 सेकेंड की गलती के जो खामियाजा भुगतने पड़ेंगे ना, वो लाइफ लॉन्ग तक के लिए हो जाएगा इन्हीं सब लोगों के वजह से। तीन 3:07 लास्ट में बहुत जबरदस्त बाइक चलाए, अभी भी वैसे ही चलाने वाला हूँ। 90 मोर किलोमीटर्स जो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ठीक है, और जल्दी पहुंचना है क्योंकि मुझे आरती देखना है। आई डोंट वांट टू मिस आरती। चलिए चलते हैं। सुबह के एंटिसिपेशन पे गहरा प्रहार किया है सूरज भगवान ने। गर्मी उफ, खैर ये तब भी उससे बेहतर है जो मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे देखा था, वो तो जानलेवा था। लुधियाना जालंधर जानलेवा, ये फिर भी उसके तुलना में मैनेजेबल है। वाराणसी 91 मोर किलोमीटर्स। धीरे धीरे डालेंगे, बहुत उड़ता भी है ये। यहाँ से अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 55-60 किलोमीटर के आसपास है अपना वाराणसी। ऐसे जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ना मैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है बाइक मूव हो रही है। बेसिकली मैं वाराणसी तो पहुँच चुका हूँ, मेरा एकोमोडेशन जस्ट 3.9 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और टाइम हो गया 4:31। गूगल मैप से हम जीते नहीं हारे भी नहीं। सभी लोग एक व्यवस्थित तरीके से जो आप
साथ अपना लेह लद्दाख वाला ट्रिप कंप्लीट होने को आ रहा है। कल मैं इसी डॉर्मेट्री में रुका था और ईच बेड यहाँ पर 623 रुपीज़ का है। सुबह सुबह ही मैंने स्नान कर लिया और बाबा के दर्शन किए और घर की तरफ मैं आगे बढ़ गया। जो मंदिर है अभी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, अब ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है और सुबह सुबह 4 बजे ही मंदिर जाने से जल्दी आराम से दर्शन भी हो गए। रास्ते में सत्तू दिखा तो सत्तू पी लिया, खट्टे आम वाले शरबत मिले तो वो भी पी लिया, तो कहीं पर बादाम शेक मेरा फेवरेट दिखा तो वो मैंने पी लिया। मेरे अंदर घर जाने की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं लगभग 1 महीने से अपने परिवार से दूर था तो मुझे मेरे बच्चों से मिलने की बहुत ही इच्छा हो रही थी। जल्दी ही मैं घर पहुँचा और बच्चों के साथ खेला। ये ट्रिप कई मायने में इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। ये कैसे इम्पॉर्टेंट था तो आप ये पूरा सीरीज देख लीजिए, पूरा शुरू से देखिए तो पता चल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ट्रिप में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।